हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ ओम प्रकाश गौतम जी जुड़ गए हैं जो कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से हैं और 2015 से फैंटेसी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। सो ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे स्पेशल इंटरव्यू में। सो हमारे सभी यूजर्स का बताइए कि ये आपकी जो 2015 से लेकर 2022 तक की जो जर्नी है फैंटेसी स्पोर्ट्स की, ये कैसी रही? हेलो हेलो एवरीवन, हेलो मैम। आई एम ओपी गौतम एंड आई लिव इन बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। एक्चुअली आई स्टार्टेड दिस जर्नी, एक्चुअली माय फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट दिस ड्रीम 11 2015। आई स्टार्टेड, मैंने उसी टाइम से ये ज्वाइन किया और उसको खेलना शुरू किया। तो मजा आने लगा कि पेमेंट, मतलब पैसे भी उसी टाइम स्मॉल लीग जीत रहा था, ग्रैंड लीग में भी कुछ अच्छे पैसे कमाए। पर अभी लास्ट सैटरडे को 1.5 लाख कमाया, मतलब ग्रैंड लीग में पहली बार फर्स्ट रैंक आया, तो मतलब बहुत खुशी हुई और मुझे मतलब पूरे फैमिली खुश है, मतलब हम खुश हैं। हाँ जी, फर्स्ट रैंक ग्रैंड लीग में, ये आपके साथ फर्स्ट टाइम हुआ कि इसके पहले भी आप जीत चुके हैं? इससे पहले मैं 10,000 तक का अमाउंट जीत चुका हूँ ग्रैंड लीग में, उससे ज्यादा नहीं जीतता था। ये फर्स्ट टाइम है कि जो मेरा अमाउंट है वो थोड़ा बड़ा है, 1.5 लाख। वाओ, रियली ग्रेट। सो ओम प्रकाश जी, आप हमारे यूजर्स को बताएंगे कि ऐसा क्या स्पेशल किया आपने और क्या आपकी स्ट्रेटजी थी जो आपकी फर्स्ट रैंक आई ग्रैंड लीग में? एक्चुअली मैम, कुछ समय से मैंने आपका ऐप है जो परफेक्ट लाइनअप, उसको इंस्टॉल किया था। एक्चुअली मैंने अपने डेस्कटॉप पे भी रखा है, तो उससे थोड़ा हिंट मिल जाता था। जैसे स्मॉल लीग में तो मैं काफी अच्छे पॉइंट से जीत रहा था, ग्रैंड लीग में भी मैंने फ्राइडे सैटरडे को यूज किया। और फ्राइडे को मतलब उसके उसमें जो बताया जाता है, जैसे आपका प्लेयर्स की हिस्ट्री होती है, आपका पिच रिपोर्ट होता है, कौन सी पिच में कितना स्पिन होगा और पेस कैसा होगा, मतलब बाउंस स्विंग, तो उससे काफी हेल्प मिलता है। तो मुझे उस दिन फ्राइडे की रात को एक मैच था ट्रिनिदाद में, T10 मैच था जी। उसमें मैंने वहां से भी मैंने कुछ प्लेयर्स लिए और आपकी फैंटेसी जो परफेक्ट लाइनअप है इसमें से भी काफी हेल्प मिला। जो इसमें स्मॉल लीग में जो 3 प्लेयर मैंने आपके स्मॉल लीग से लिए थे और ग्रैंड लीग से लिए थे 4 प्लेयर, बाकी के मैंने लगाए थे अपने आप, मतलब थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह थोड़ा एनालाइज करके। और उसके बाद मैं रात को टीम बना के मैं सो गया, फिर सुबह उठा 4 बजे, तो जस्ट ऐसे ही देखा, ऐसे तो विश्वास हुआ नहीं, पहले देखा फर्स्ट फर्स्ट कैसे हो सकता है। फिर मैंने अपने आप को बाइट किया, चिंटू मारा हाथ में जोर से, और मैंने सोचा सपना तो नहीं कहीं है कि फर्स्ट प्राइज 1.5 लाख, मैंने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा। एंड वेरी थैंकफुल टू यू ऑल्सो, यू पीपल एंड दिस फैंटेसी ऐप, परफेक्ट लाइनअप। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आप ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लाए। हमें बहुत खुशी होती है कि जब हमारे यूजर्स हमारा ऐप यूज करके जीतते हैं और उनकी ड्रीम्स पूरी होती है। सो मैं बाकी सब यूजर्स को भी ओम प्रकाश जी का स्क्रीन शॉट दिखाना चाहूंगी, जस्ट अ सेकेंड। जी ओम प्रकाश जी, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी मैम। जी, सो ये स्क्रीनशॉट ओम प्रकाश जी ने हमारी टीम के साथ शेयर किया है जिसमें आप क्लियरली उनकी विनिंग देख सकते हैं। उन्होंने अभी अभी उनकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आई है और उन्होंने 1.5 लाख अमाउंट जीते हैं जी। सो ओम प्रकाश जी, आपने कौन से मैच में ये टीम लगाई थी? मैम ये T10 चला था, इधर वेस्ट इंडीज में T10 होता है रात के टाइम, इंडिया में तो रात के टाइम होगा, तो वहां पे 10-10 ओवर का मैच होता है, इसमें टीम लगाई थी मैम। ओके, सो मैं सभी यूजर्स को दिखाना चाहूंगी कि किस तरह गौतम जी ने अपनी टीम लगाई परफेक्ट लाइन का यूज करके और उनकी 1.5 लाख तक की विनिंग हुई है। सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस ओम प्रकाश जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच जी। ओम प्रकाश जी, हमें बताइए कि परफेक्ट लाइनअप कैसे मदद करता है एक फैंटेसी यूजर की टीम बनाने में? हाँ मैम, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली जो नए यूजर है उनके लिए बहुत अच्छा है, जैसे नए यूजर होते हैं उनको पता नहीं कि कैसे टीम बनाए, वो पूरे सारे बड़े बड़े प्लेयर्स ले लेते हैं। परफेक्ट लाइनअप में उसमें बताया गया है कि आपने एनालाइज खुद भी करना है और साथ में उधर से हेल्प मिल जाती है, मतलब 80% हेल्प अच्छी मिल जाती है।
एक तो पिच रिपोर्ट का पता लग जाता है, स्पिन कहाँ पे क्या होगी, और नए प्लेयर्स के जो नए फैंटेसी में से जुड़ रहे हैं बच्चे आजकल के, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर वो जीतना चाहते हैं ह्यूज अमाउंट। सो पहले क्या दिक्कतें आती थी आपको जब परफेक्ट लाइनअप आप नहीं यूज करते थे? पहले वही कि मैं जो मैचेस खेलता था वही खेलता था, जैसे जिनमें मेरे को नॉलेज है कि हाँ भाई ये प्लेयर्स हैं, ये पिच रिपोर्ट है, मैं नेट पे। इसमें सारी चीजें एक ही ऐप में सब कुछ मिल जाता है आपको, प्लेयर्स परफॉर्मेंस हिस्ट्री रिपोर्ट और तो मिलती ही है, तो इससे काफी हेल्प है, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो एक अच्छी टीम बनाने के लिए बहुत ही सहायक होगा। हमारा बेसिकली गोल भी यही था ओपी जी की सारे जो भी फैंटेसी यूजर्स हैं उन्हें सारा डेटा एक साथ मिल जाए, जो भी एक फैंटेसी प्लेयर को चाहिए बेसिकली अपनी टीम बनाने के लिए वो सब उनको हमारी ऐप में मिले। सो ओम प्रकाश जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन बस यही रहेगा कि जैसे आप इतने टाइम से फैंटेसी खेल रहे हैं, सो कुछ न्यू यूजर्स हैं जिन्होंने अभी अभी फैंटेसी खेलना शुरू किया है, तो उन्हें ओपी गौतम जी की क्या ऐसी फैंटेसी टिप होगी जिससे उनका गेम इम्प्रूव हो? अच्छा मैम, स्मॉल लीग के लिए जो नए यूजर्स हैं उनके लिए मैं ये बोलूंगा, स्मॉल लीग में तो आपको 7-8 जो आपके मेन प्लेयर्स हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं लगातार, उनको तो लेना ही पड़ेगा। जी दो या तीन प्लेयर ऐसे लीजिए जो मतलब कि जो बहुत ही कम लोगों ने उसको लिया है टीम में, तो दो प्लेयर यस ऐसे होने चाहिए जो आप मतलब बहुत ही कम परसेंटेज वाले लोग है जिन्होंने सिलेक्ट किया है, कम परसेंटेज में सिलेक्ट किया है। और ग्रैंड लीग के लिए मैं सलाह दूंगा कि 4 या 5 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो मतलब बाकी लोगों ने मतलब बहुत ही कम परसेंटेज में लोगों ने लिए हों, और 4-5 प्लेयर ऐसे हों जो मतलब कि आपके 80% से ऊपर सेलेक्ट किए हों या 50 से ऊपर। बिल्कुल जी। सो थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी, आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी ये फैंटेसी जर्नी जानकर। आई एम रियली श्योर कि जो भी यूजर्स है उन्हें भी काफी कुछ न्यू सीखने को मिला होगा आपसे। सो इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि आप फैंटेसी खेलते रहें और परफेक्ट लाइनअप यूज करते रहें और जीतते रहें। थैंक यू सो मच।